हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं आपसे शेयर करूंगी ब्रोकली की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो टमाटर लिए हैं और उनको मैंने गैस ऑन करके इस तरह से पका लिया है। मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये टमाटर का छिलका जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए सब्ज़ी में। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो टमाटर लिए हैं और साथ में मैंने अदरक लहसुन को पीस लिया था और मैंने प्याज और मिर्च भी काट ली है और साथ में मैंने ब्रोकली जो है वो धो के इस तरह से काट ली है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है लोहे की कढ़ाई और मैंने गैस ऑन कर दी और उसमें मैंने डाल दिया एक चम्मच देसी घी का और घी के बाद मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा और ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और लहसुन ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और हरी मिर्च तो गाइज़ अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी और हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर जिसका छिलका मैंने उतार लिया था और उसको मैंने काट लिया था। तो गाइज़ ये डाल दिया टमाटर और टमाटर ऐड करने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें नमक। मैंने यहाँ पर नमक के दो चम्मच डाले हैं और फिर ये जो टमाटर है इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। तो गाइज़ अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्रोकली। तो गाइज़ अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हींग और फिर मैं ये जो सब्ज़ी है इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगी और इसको दम करके पकाऊंगी मैं इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करूंगी और कम से कम 10 मिनट तक लो फ्लेम में इसको पकाएंगे और सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो गाइज 10 मिनट हो चुके थे इसको और ये ब्रोकली की सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है। तो फिर मैंने एक चपाती ली और उसके ऊपर मैंने बटर लगाया और फिर इसमें मैं ब्रोकली की सब्ज़ी जो है वो डालूँगी। तो गाइज़ ये थी ब्रोकली की सब्ज़ी। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।